पुलिस ने एटीएम धोखाधड़ी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को नहर पुलिया के पास मोहद्दीपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान संदीप पुत्र दलवीर सिंह निवासी गंगन खेड़ी थाना हसी जनपद हिसार हरियाणा, दूसरा राजेश कुमार पुत्र कर्मवीर निवासी हसी राम सिंह कॉलोनी भिवानी रोड थाना हंसी जनपद हिसार हरियाणा के रूप में हुई है, जिसके पास से 60 ग्राम स्मैक व 30 अदद एटीएम कार्ड भिन्न भिन्न बैंकों के खाता धारकों का बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, हम लोगों द्वारा दिल्ली उत्तर प्रदेश के राज्यों व सीमावर्ती प्रदेशों में चार पहिया वाहनों से भ्रमण कर लोगों का एटीएम कार्ड बदलकर उनके पैसों को निकालने का काम करते हैं। हम लोग द्वारा एटीएम रूम में पहले से पहुंचकर ऐसे व्यक्ति इंतजार किया जाता है जो एटीएम चलाना अच्छी तरह से ना जानता हो। उसके एटीएम को लेकर हम लोग स्वयं उसका पैसा कोड पूछकर उसको निकाल कर दे देते हैं तथा अपने पास लिए एटीएम को उसके एटीएम से बारीकी से बदलकर उसको बदला हुआ एटीएम दे देते हैं और उसके बाकी पैसों को निकाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों व जिलों में घूम घूम कर स्मैक की बिक्री भी करते हैं। इनके पास से कुल 60 ग्राम नशीला पदार्थ स्मैक व 30 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंकों के अलग अलग खाता धारकों के साथ गिरफ्तार कर थाना कैंच पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त संदीप पुत्र दलवीर सिंह निवासी गंगन खेड़ी थाना हंसी जनपद हिसार हरियाणा से पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने साथी राजेश के साथ मिलकर नशीला पदार्थ लोगों को खिलाकर एटीएम कार्ड का पासवर्ड जानकर व उनका एटीएम कार्ड धोखे से बदलकर उनको एटीएम कार्ड से पैसे निकालकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह, अरुण कुमार सिंह, अविनेश कुमार पांडे, हेड कांस्टेबल मोहसिन खान, कांस्टेबल सौरभ गिरी, राहुल शाह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, औसत गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में आज सुबह थाना कैंट की पुलिस को सूचना मिली कि तीन लोग एटीएम बदलने का गिरोह चलाते हैं एवं स्मैक बेचने का काम करते हैं। जब ये लोग एटीएम बदल रहे थे तब एक व्यक्ति जिसके साथ एटीएम बदलने की घटना हुई, उस व्यक्ति ने हल्ला मचाया तो आसपास के लोगों ने उसको पकड़ा। इतने में फिर पुलिस भी मोदीपुर चौकी के सामने ही ये घटना थी, पुलिस ने तुरंत पकड़कर दो लोगों को हिरासत में लिया। एक का नाम संदीप है और दूसरे का नाम राजेश है। दोनों थाना हांसी जनपद हिसार के रहने वाले हैं। यह एक अंतर राज्यीय गैंग है, इंटरस्टेट गैंग है। ये लोग हरियाणा से निकलते हैं फिर पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले में प्रतिदिन घटना करके हर दिन जिला बदलते रहते हैं एवं इस तरीके से बंगाल तक एक घटनाएं करते हैं एवं इसके साथ साथ स्मैक भी बेचने का काम करते हैं। इससे बड़ा नेटवर्क अनर्थ होने की आशंका है, इसलिए स्मैक के बारे में पूछताछ जारी है। इन लोगों के पास से 30 एटीएम बरामद किए गए हैं, उसमें 10 पंजाब नेशनल बैंक के हैं, एचडीएफसी बैंक के भी हैं, एक्सिस बैंक के भी हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड भी बरामद हुए हैं। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक सामने प्रकाश में नहीं आया है। हरियाणा पुलिस से भी पूछताछ कर एवं अन्य प्रदेशों की पुलिस से भी पूछताछ कर पता लगाया जाएगा कि इन्होंने कहीं और घटना की है कि मैं आए थे
i10 गाड़ी जो चला रहा था वह व्यक्ति भाग गया। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग लखनऊ से गोरखपुर की तरफ से आए थे एवं पहली घटना कारित कर रहे थे, उसी समय पकड़े गए हैं।